दोस्तों आप फोन लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है स्मार्टफोन के अंदर? उसका सीपीयू। क्योंकि सीपीयू ऐसी चीज है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, वेदर इट इज योर कैमरा, अगर आपका स्क्रीन हो, स्क्रीन का रेजोल्यूशन हो, पावर हो, गेमिंग परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ डिपेंड करता है आपके सीपीयू के ऊपर। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने अब एक नया सीपीयू लॉन्च किया है। इनफैक्ट अभी वो सीपीयू नहीं बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म। पहले तो कहते थे एसओसी, लेकिन अब कहते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म। सो मिड रेंज का जो 600 सीरीज है उसमें उन्होंने लॉन्च किया है 636 मोबाइल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, 635 नहीं आया है, 636 आया है उसके जगह पे। और उसके पहले का जो था वो था 630, तो ये 630 का सक्सेसर है। इस प्रोसेसर के बारे में सब डिटेल्स मैं आपको दूंगा, उसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, आपको मिड रेंज फोन्स में ये प्रोसेसर क्या क्या देगा, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप देखते रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, हमारा मोराल बूस्ट हो जाता है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 मोबाइल प्लेटफॉर्म क्या देता है आपको? सबसे पहले तो वो एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है और मच फास्टर प्रोसेसर है 630 के कंपैरिजन में। जब मैं बोलता हूँ एफिशिएंट, क्योंकि वो है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आधारित, इसका मतलब बहुत ही एफिशिएंट होगा, बैटरी बहुत अच्छी चलेगी दोस्तों। और परफॉर्मेंस के लिए है क्रायो 260, इसका मतलब उसमें 8 प्रोसेसर्स हैं, 4 कोर्स जो हैं वो है एफिशिएंसी के लिए और 4 कोर्स जो है वो परफॉर्मेंस के लिए। जो परफॉर्मेंस के कोर्स होते हैं वो जब आप गेमिंग करते हैं या हाईली इंटेंसिव कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो परफॉर्मेंस कोर्स आपको मदद करते हैं। और बैटरी बचाने के लिए जो 4 कोर्स हैं जब आप स्टैंड बाय पे रहते हैं तो वो 4 कोर्स तब इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेसर्स हैं इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो गए आजकल, इवन 600 रेंज, उसके ऊपर का भी रेंज है 800, जो 825, 820, 821, 835 लेटेस्ट है, ये तो प्रोसेसर है। लेकिन मिड रेंज के भी जो प्रोसेसर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो क्वालकॉम के 200 प्रोसेसर हैं लो, एकदम छोटे फ़ोन्स के लिए, मतलब फीचर फोन्स के लिए। उसके बाद में 400 रेंज के प्रोसेसर्स हैं जो लोअर एंड फोन्स में आते हैं, 600 मिड रेंज के लिए है, और 800 सीरीज़ जो है वो हाई एंड फ्लैगशिप के लिए। तो 600 सीरीज़ मिड रेंज फ़ोन में ये जो 636 प्रोसेसर है वो लेटेस्ट हैं, अगले महीने फ़ोन्स में आने चालू हो जाएंगे। और अब बढ़ते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 के नए फीचर्स की तरफ। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कैमरा। आजकल लोग कैमरे को ज़्यादा देखते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में देखते हैं। तो ये जो 636 प्रोसेसर है इसमें आता है 24 मेगापिक्सल का कैमरा एट द रेयर एंड, सिंगल कैमरा। अगर डुअल कैमरा हो तो 16 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल को सपोर्ट करेगा वो। दूसरा है गेमिंग परफॉर्मेंस, उसके लिए एड्रेनो 509 जीपीयू है, और ये जीपीयू बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहता है कि 630 के हिसाब से 40% ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देगा। तो 636 का जो प्रोसेसर है या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो अब सपोर्ट करता है FHD प्लस, यानी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो को। आजकल सभी फोन्स बड़े बड़े स्क्रीन के साथ आ रहे हैं, थिन बेजल्स होते हैं, तो ये जो मिड रेंज फोन्स हैं वो भी सपोर्ट करेगा आपका 18:9 रेशियो FHD प्लस रेजोल्यूशन। दोस्तों ये जो 636 प्रोसेसर है 8GB रैम को सपोर्ट करता है, इसका मतलब मिड रेंज फोन्स में भी अब 8GB रैम आने चालू हो जाएंगे। ये क्या जरूरत है यार, मुझे तो समझ में, अभी मिड रेंज फोन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, हाई एंड फोन्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वंस यू हैव 8GB रैम और फिर इतना अच्छा प्रोसेसर, आई थिंक सब कुछ मल्टीटास्किंग कितनी भी हो, कौन से भी हैवी गेम्स हो, आप आराम से खेल सकेंगे। दोस्तों ये जो 636 प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करता है क्विक चार्जिंग 4, इसका मतलब आपका जो फोन है वो 15 मिनट के अंदर 50% तक चार्ज हो जाएगा। तो क्विक चार्ज सपोर्ट 4.0 का है 636 मोबाइल प्लेटफॉर्म में।
आखिरी फीचर जो 636 मोबाइल प्लेटफॉर्म का है दोस्तों, वो है सपोर्ट फॉर मशीन लर्निंग। जी हाँ, आजकल फोन्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मशीन लर्निंग के साथ, तो ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है वो भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी सवाल है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में तो जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो तक।